बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी टीचर यूपीएस पचपुरा स्कूल त्रेगाम से। क्लास एट थे और सब्जेक्ट जो है वो सोशल साइंस है। डेट जो है वो है 25 है आज। तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो रूलिंग द कंट्री साइड, इसके क्वेश्चन आंसर हम कर रहे हैं। तो तीन क्वेश्चन हमने किए हैं, आज हम चौथा क्वेश्चन करने वाले हैं। हाउ वाज द मालवाड़ी सिस्टम डिफरेंट फ्रॉम द परमानेंट सेटलमेंट। तो इसमें हमें बताना है मालवाड़ी सिस्टम डिफरेंट कैसे था परमानेंट सेटलमेंट के थ्रू, वो ये दोनों एक दूसरे से किस तरह डिफरेंट थे। तो मालवाड़ी सिस्टम इट वाज डिसाइडेड दैट द रेट ऑफ रेवेन्यू वाज टू बी रिवाइज्ड पीरियडिकली नॉट परमानेंटली फिक्स्ड। तो मालवाड़ी सिस्टम में जो था ये डिसाइड किया गया कि जो रेवेन्यू कलेक्ट किया जाएगा वो जो है वो रिवाइज किया जाएगा पीरियडिकली, ये परमानेंट इसको फिक्स नहीं किया गया। तो परमानेंट सेटलमेंट में क्या है, अंडर द परमानेंट सेटलमेंट द रेट ऑफ रेवेन्यू वॉज फिक्स्ड। परमानेंट सेटलमेंट में रेट ऑफ रेवेन्यू जो था वो फिक्स था परमानेंटली, वो चेंज नहीं होने वाला था। इसकी एक मिसाल है, इट वॉज नॉट टू बी इंक्रीज नेवर इन फ्यूचर, ये फ्यूचर में कभी भी इंक्रीज या चेंज नहीं होने वाला। तो सेकंड जो इसमें डिफरेंस है वो है मालवाड़ी सिस्टम द चेंज द चार्ज ऑफ कलेक्टिंग द रेवेन्यू एंड पेइंग इट टू द कंपनी वाज गिवन टू द विलेज हेडमैन। तो मालवाड़ी सिस्टम में जो रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था उसके जो अधिकार थे उसके वो कलेक्ट करने की जो चार्ज थी वो किसको दिया गया, हेडमैन, विलेज ऑफ हेडमैन, यानी विलेज को इसका पूरा अधिकार दिया गया कि वो जो है रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे और फिर पे करेंगे कंपनी को। तो इसी तरह जो है ये इन द परमानेंट सेटलमेंट द जमींदार्स वर गिवन द चार्ज ऑफ कलेक्टिंग रेवेन्यू फ्रॉम द पीजेंट्स एंड पेइंग इट टू द कंपनी। तो परमानेंट सेटलमेंट में ये है कि जमींदार्स को ये अधिकार दिया गया कि वो रेवेन्यू कलेक्ट करते थे और फिर फ्रॉम द पीजेंट्स, किन से, किसानों से, एंड पेइंग इट टू द कंपनी और फिर कंपनी को पे करते थे। नंबर थ्री पॉइंट जो है वो है द मालवाड़ी सिस्टम कम इनटू इफेक्ट इन 1822। ये 1822 में वजूद में आया और परमानेंट सेटलमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द कंपनी इन 1793। तो जो परमानेंट सेटलमेंट है वो कब इंट्रोड्यूस किया गया, वो कंपनी ने 1793 में इंट्रोड्यूस किया। अब अगला क्वेश्चन है, गिव द प्रॉब्लम्स व्हिच अरोज विद द न्यू मॉनरो सिस्टम ऑफ फिक्सिंग रेवेन्यू। प्रॉब्लम्स बतानी है कि मॉनरो सिस्टम जो है उसमें क्या प्रॉब्लम्स आई। द टू प्रॉब्लम्स विद द न्यू मॉनरो सिस्टम ऑफ फिक्सिंग रेवेन्यू आर एज अंडर। तो जो दो प्रॉब्लम्स आई वो नीचे हैं। ड्राइवन बाय द डिजायर टू इंक्रीज द इनकम फ्रॉम द लैंड रेवेन्यू ऑफिशियल्स अ वेरी हाई रेवेन्यू डिमांड व्हिच पीजेंट्स वर अनएबल टू पे। तो इसमें क्या है, इस दौर में ये प्रॉब्लम आई कि बहुत ही हाई रेवेन्यू डिमांड जो थी वो लगाई गई। इसमें यह है कि 55% जो है वो रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था किनसे, किसानों से, जो कि उनके लिए बहुत ही मुश्किल था। वो जितना कमाते थे उसका 55% यानी उससे उसका आधे से भी ज्यादा वो कलेक्ट करके ले जाते थे। तो दूसरी जो प्रॉब्लम इसमें आई, इट वाज बिलीव्ड दैट द न्यू सिस्टम वुड ट्रांसफॉर द पीजेंट इनटू रिच फार्मर्स बट इट फेल्ड टू हैपन। तो ये यकीन दिलाया गया कि ये जो नया सिस्टम आएगा मॉनरो सिस्टम, इसमें जो पीजेंट्स थे, जो किसान थे, वो फार्मर से बदल जाएंगे, वो दिन ब दिन तरक्की करेंगे, लेकिन बट इट फेल टू हैपन, लेकिन ऐसा नहीं हो सका, ये जो सिस्टम था वो फेल हो गया, ऐसा नहीं हो सका। तो ये दो क्वेश्चंस हैं, आप अच्छी तरह से इनको अपनी कॉपी पे उतारिए और याद भी कीजिए। तो इंशाल्लाह अगली क्लास में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।